सह प्रेम जय जिनेन्द्र। जैन समय में आप सभी का स्वागत है। जैन समाज के प्रमुख समाचारों के साथ आपके समक्ष उपस्थित मैं अशोक नागौरी। हमारे समाचारों को सबसे पहले देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। प्रस्तुत है मुख्य समाचार। नेमी चंद जी कोठारी बने नंदन मुनि जी, सुरभि जी संघवी बने साध्वी स्वागत श्री जी। अक्षय तृतीया पालना का मराठा हॉस्टल में हुआ भव्य आयोजन। म्यूजिक एंजा सीजन 4 में गायकों ने बिखेरे सुरीले सुर। ओसाल परिषद ने श्री श्री शिव कुमार स्वामी जी को दिया विश्व संत का अलंकरण। भगवान महावीर का जलवा पूजन महोत्सव मनाया गया। प्रवासी उत्तर भारतीय संघ ने किया बाबू भाई मेहता का सम्मान। जयंत सेन सुरेश्वर जी की प्रथम पुण्यतिथि पर किया गया स्नात्र महोत्सव का आयोजन। मरुधर केसरी रूप रजत यात्रा संघ का हुआ भव्य आयोजन। समाज सेवी भाग्या दिनेश जी गिरिया ने बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की। विजय राजी सुराना ने किया मातृ छाया में गृह प्रवेश। मंदसौर नगर में अक्षय तृतीया के दिन 28 वर्षों के बाद एक ऐतिहासिक आयोजन हुआ। दीक्षा दानेश्वरी आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहब ने 109 साधु साध्वी भगवंतों की उपस्थिति में वीर पिता निर्मल कुमार जी संघवी, वीर माता संगीता देवी संघवी, इंदौर की सुपुत्री मुमुक्षु सुरभि जी संघवी को जैन भागवती दीक्षा प्रदान की और उन्हें साध्वी श्री स्वागत श्री जी का नाम दिया। करीब 5,000 से भी अधिक श्रद्धालुओं के बीच प्रातः 6:50 से 7:15 तक आचार्य श्री जी ने दीक्षा संपन्न कराई। आचार्य श्री रामेश ने प्रेरक प्रवचन में कहा कि क्रोध मान माया और लोभ से अपनी आत्मा को बचाना है। धन की दौड़ में भावुकता और आतुरता में ऐसा काम नहीं करें जिससे समाज परिवार और राष्ट्र पर लांछन लगे। जैन धर्म सभी का कल्याण चाहने वाला धर्म है। विशेष अतिथिगण राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हिम्मत जी कोठारी, सांसद सुधीर जी गुप्ता, विधायक यशपाल सिंह जी सिसोदिया, नगर पालिका अध्यक्ष प्रहलाद जी बंधवार, साधु मार्गी जैन संघ के अध्यक्ष ओम प्रकाश जी पोरवाल एवं वीर भ्राता सौरभ जी संघवी सहित अनेक गणमान्य समाजजन उपस्थित थे। सभा में मुमुक्षु सुश्री पूजा जी डागा के पिता श्री गंगा शहर निवासी सुरेंद्र कुमार जी डागा ने भी अपनी सुपुत्री का दीक्षा आज्ञा पत्र आचार्य श्री रामेश के चरणों में समर्पित किया। मुमुक्षु पूजा जी डागा की दीक्षा आचार्य भगवान श्री रामेश की निश्रा में 8 अगस्त 2018 को रतलाम में होगी। दीक्षा के पश्चात देश भर से पधारे 108 से अधिक वर्षीत बारातकों के पारने संपन्न हुए। श्री महावीर स्वामी वर्षीतप चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सामूहिक वर्षीतप अक्षय तृतीया पालना महोत्सव का आयोजन आचार्य श्री मुक्ति सागर सुरेश्वर जी, आचार्य श्री चंद्रजीत सुरेश्वर जी, आचार्य श्री चिनचंद सुरेश्वर जी महाराज साहब की निश्रा में धूमधाम से संपन्न हुआ। मंगलवार को वर्षीतप आराधकों का भव्य वरगोड़ा श्री महावीर स्वामी जैन मंदिर चामराजपेट से प्रारंभ होकर मराठा हॉस्टल पहुंचा। वहां पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान सुबह के नवकारसी के लाभार्थी सूर्या कलर कैम्प वाले मोहन लाल जी, सोहन लाल जी, संजय कुमार जी, विनय कुमार जी, पंकज कुमार जी, शंखेश कुमार जी राठौड़ शांतिनगर एवं भरत चक्रवर्ती भोजन मंडप के लाभार्थी रमेश कुमार जी, मनोहर कुमार जी, राहुल कुमार जी, प्रीतेश कौशिक, मयांश सुराना बेटा पोता लालचंद जी, शिवराज जी सुराना जोजावर निवासी का सम्मान किया गया। सायं भक्ति में निखिल सोनेगरा ने भक्ति की शानदार रमझट मचाई। बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन आचार्य भगवंतों की निष्ठा में 100 से अधिक तपस्वियों को बहुत सुंदर तरीके से इक्षु रस से पारणा कराया गया। प्रथम पारणे का लाभ मनोहर लाल जी, शिवराम जी बंदा मूथा परिवार, दूध से तपस्वियों के पैर धोने का लाभ सूरजमल जी गुलेचा परिवार एवं तपस्वियों को पंखे से हवा करने का लाभ राजेंद्र कुमार जी नागोत्रा सोलंकी परिवार ने लिया। संचालन सुरेंद्र गुरु जी एवं गौतम जी मुथा ने किया। समाज के उभरते हुए गायकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें आगे बढ़ाने में अग्रणी म्यूजिक एंजा म्यूजिक स्कूल द्वारा भारतीय विद्या भवन में म्यूजिक एंजा सीजन 4 कार्यक्रम में युवा एवं आल गायकों ने एक से बढ़कर एक गीत प्रस्तुत कर समा बांध दिया। म्यूजिक एंजा के प्रमुख कार्यदर्शी अमित जी जैन ने सुंदर तरीके से संचालन करते हुए कहा कि समाज में छुपे हुए गायकी टैलेंट को एक नई पहचान दिलाकर उन्हें बड़ा गायक बनाना म्यूजिक एंजा का उद्देश्य है। कार्यक्रम में अश्वेता, सुजाता, लविश, हेत नागौरी, धृति, कृतिका, रिधिमा, समृद्धि, राखी जैन एवं अनिकेत ने अपनी जादू भरी आवाजों से श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। अमित जी जैन ने बताया कि पिछले 6 वर्षों से संचालित
जयनगर दूसरा ब्लॉक में म्यूजिक एंजा म्यूजिक स्कूल में विद्यार्थियों को प्रातः 10 बजे से सायं 7 बजे तक विभिन्न बैचों में परंपरागत एवं आधुनिक वाद्य यंत्रों के साथ म्यूजिक स्पेशलिस्ट द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत एवं फिल्मी गीत गाने की ट्रेनिंग दी जाती है। म्यूजिक एंजा म्यूजिक स्कूल में गिटार, कीबोर्ड एवं ड्रम्स आदि बजाना भी सिखाया जाता है। म्यूजिक एंजा का अति आधुनिक स्टूडियो है, जहां उन्हें बहुत ही सुंदर तरीके से अभ्यास भी कराया जाता है। 3 महीने के कोर्स के बाद उन्हें लाइव परफॉर्मेंस प्रस्तुत करने के लिए ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आयोजित कर अपनी प्रतिभा को उजागर करने का अवसर प्रदान करते हैं। वेकेशंस में विद्यार्थियों को विशेष कोचिंग क्लासेस की भी योजना की जा रही है। जैन समाज के बच्चों को भी जोड़ रहा है, उनको इंस्पायर कर रहा है, उस पैशन को किसी भी तरह से पूरा किया जाए, यही म्यूजिक गांजा का उद्देश्य है। एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ है कि म्यूजिक अच्छा बनाना है, लोगों की लाइफ टच करनी है, और म्यूजिक स्कूल एक माध्यम है जहाँ पे स्टूडेंट्स को अल्टीमेटली म्यूजिक सीख के अपने आप को लोगों के सामने लाना है, एंड इन देयर लाइव्स ऑफ पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इतना भरोसे के साथ म्यूजिक एंजा भेजते हैं। थैंक यू फॉर ऑल द पेरेंट्स। आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू अमित भैया एंड दीपक फॉर ऑल दिस। थैंक्स अमित जी, थैंक्स अ लॉट फॉर द लवली प्लेटफॉर्म। ही वॉज इट्स अ हिडन टैलेंट विच ही हैड एंड यू हैव एक्सप्लोर्ड इट द राइट वे। बिकॉज ऑफ अमित सर आई हैव गेन्ड कॉन्फिडेंस एंड आई एम सिंगिंग ऑन द स्टेज फॉर 3 टाइम। मेरे पास शायद शब्द नहीं है, बट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू and I'm very thankful to Amit for giving us such a chance. It's my blessing to join Music Ansa. अखिल भारतीय ओसवाल परिषद बेंगलोर द्वारा श्री सिद्ध गंगा मठ तुमकुर के मठाधीश 111 वर्षीय श्री श्री शिव कुमार जी स्वामी को देश समाज एवं शिक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए विश्व संत के अलंकरण से सम्मानित किया गया। परिषद के फाउंडर चेयरमैन रायचंद जी खटेर एवं चंपा देवी खटेर ने स्वामी जी का पाद पूजन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरपत सिंह जी चोरड़िया ने परिषद की गतिविधियों की जानकारी दी। महामंत्री गौतम चंद जी नाहर ने स्वामी जी के योगदान की सराहना की। इस अवसर पर मठ के अध्यक्ष सिद्धलिंग स्वामी जी ने ओसवाल परिषद की भूरी भूरी सराहना की। परिषद द्वारा उनका भी सम्मान किया गया। इस अवसर पर परिषद के कोषाध्यक्ष दालम चंद जी छाजेर, सहमंत्री अशोक जी नागोरी एवं माणिकचंद जी बलदोटा, नवरत्न मल जी चोरडिया, राजकुमार जी खटेर, विजय सिंह जी भूतोड़िया, भूपेंद्र जी भानावत, विकास जी चोरडिया, मदन लाल जी नाहर, मनु भाई जी बाफना एवं सुमन देवी जी खटोड़ आदि उपस्थित थे। जिन शासन सेवा जैन महिला एकता मंच द्वारा माधव नगर कुमारा पार्क में प्रथम बार भगवान महावीर का जलवा पूजन एवं हालड़िया का अनुपम कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मंच की अध्यक्ष नारंगी बाई जी बाफना, सुखी बाई जी तालेड़ा एवं सूरज बाई जी सियाल ने किया। आमंत्रित अनेक महिला मंडलों की सदस्यों ने अपनी सुरीली आवाज में हालड़िया गाया। तत्पश्चात मशहूर जैन संगीतकार कमलेश जी ने भक्ति गीतों के एक से बढ़कर एक तरानों के साथ में भगवान महावीर के जीवन का सजीव प्रस्तुतिकरण किया, जिस पर उपस्थित महिलाओं ने भाव विभोर होकर नाचते हुए अपने प्रभु भक्ति की पराकाष्ठा का परिचय दिया। तत्पश्चात जलवा पूजन की रस्म की गई, जिसका रोमांचक नजारा देखते ही बन रहा था। इस अवसर पर समाज सेवा में विशेष योगदान के उपलक्ष्य में त्रिशला जी कोठारी, नीलम जी नलवानी, निर्मला जी दांतेवाड़िया, कविता जी जैन, सूरज भाई जी कोठारी, पुष्पा जी गुलेच्छा, ललिता भाई जी पालरेचा, चंद्रा जी गांधी का राजस्थानी महारानी के अलंकरण सहित ताज पहनाकर सम्मान किया गया। कार्यक्रम के लाभार्थी नारंगी भाई जी, मोहन लाल जी बाफना, सुखी भाई जी, पुखराज जी तालेड़ा, सूरज भाई जी, सोहन लाल जी सियाल का भी अभिनंदन किया गया। प्रवासी राजस्थानी बाबू भाई मेहता को भारतीय खाद्य निगम FCI की कर्नाटक स्टेट की इकाई में सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। स्वामित्व ग्रुप के निर्देशक एवं विभिन्न सामाजिक संगठनों में सक्रिय भूमिका निभाने वाले बाबू भाई की इस उपलब्धि हेतु प्रवासी उत्तर भारतीय संघ ने उनका सम्मान किया। संघ द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भगवान महावीर जैन इंटरनेशनल कॉलेज के चेयरमैन चेनराजी जैन और कुशल जी गोलेछा ने शॉल एवं माला से बाबू भाई का अभिनंदन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए चेनराजी जैन ने कहा कि बाबू भाई मेहता ने सोलापुर महानगर पालिका के पार्षद, नीलकंठ बैंक के चेयरमैन,
जैन मंदिर सोलापुर के ट्रस्टी, रेलवे के ZRUCC सदस्य जैसे विविध पदों पर रहते हुए आम लोगों से जुड़े विविध मुद्दों का समाधान निकालने में सक्रिय भूमिका निभाई है। अब उसी क्रम में FCI में भी नागरिक सरोकार के लिए वे महत्वपूर्ण सुझाव और समाधान निकालने में महती भूमिका निभा सकते हैं। कुशल जी गुलेचा ने बहुभाई मेहता के बहुआयामी व्यक्तित्व की सराहना की। इस अवसर पर स्वामित्व ग्रुप के प्रबंध निदेशक महावीर जी मेहता, अशोक जी मेहता, जय जी, मनीष जी, अक्षय जी आदि उपस्थित थे। मामूलपेट स्थित श्री सिमंदर स्वामी राजेंद्र सूरी जैन श्वेतांबर मंदिर में आचार्य श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब की प्रथम पुण्यतिथि निमित्त स्नात्र महोत्सव का आयोजन किया गया। श्री सिमंदर राजेंद्र महिला मंडल, श्री सिमंदर राजेंद्र बालिका मंडल ने अलग अलग भाव भंगिमा के साथ भाव भरी प्रस्तुति दी। जिन शासन की बेटियों बहुओं ने संगीत की जंकार के बीच स्नात्र महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर संघ अध्यक्ष मांगीलाल जी दुर्गाणी ने कहा कि आचार्य श्री के उपदेश जीवन स्पर्शी थे। सचिव नेमीचंद जी वेदमुथा ने कहा कि आचार्य श्री के रगों में रक्त नहीं, जिन शासन के प्रति प्रेम बहता था। ट्रस्टी देव कुमार जी के जैन ने कहा कि आचार्य श्री जयंत सेन सुरेश्वर जी महाराज साहब ऊर्जावान एवं मंत्र प्रभावक थे। आचार्य श्री के विदेशों में भी अनेक भक्त हैं। जब भी वे आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने आते थे तो आचार्य श्री सबसे पहले उनसे मांसाहार का त्याग करने की प्रेरणा देते थे और बाद में नवकार महामंत्र का जाप करवाते थे। इस अवसर पर कोषाध्यक्ष पारसमल जी कांगड़िया सहित अनेक श्रद्धालु भी उपस्थित थे। सोजत सिटी में आयोजित अक्षय तृतीया पारणा महोत्सव में सम्मिलित होने के लिए बेंगलोर से मरुधर केसरी रूप रजत एक्सप्रेस ट्रेन से लगभग 100 वर्षीय तप आराधक एवं 1000 श्रद्धालु रवाना हुए। इस आयोजन के अध्यक्ष केसरी मलजी बुरड़ का जैन कॉन्फ्रेंस की युवा शाखा द्वारा अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर पारसमल जी लोढ़ा, सुजान सिंह जी बुरड़, शांतिलाल जी लोढ़ा, भंवरलाल जी पगारिया, चंपालाल जी मकाना, संपत राज जी बड़ेरा, उत्तम चंद जी रातरिया, अशोक कुमार जी रांका, महेंद्र कुमार जी रांका, राजेश कुमार जी मुथा, कल्याण सिंह जी बुरड़, अशोक कुमार जी धोका, दिनेश कुमार जी पगारिया आदि के साथ युवा शाखा के राष्ट्रीय मुख्य संरक्षक प्रकाश जी बुरड़, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिनेश जी पोखरना, प्रांतीय युवा अध्यक्ष किरण जी गोलेच्छा आदि की उपस्थिति रही। सोजत में भव्य कार्यक्रम में शेरे राजस्थान पूज्य प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज साहब की निश्रा में समारोह अध्यक्ष केसरी मल जी बुरड़ एवं अतिथियों का अभिनंदन किया गया। श्री गायत्री गाइड कंपनी एंड उदिया स्काउट ट्रूप ओपन यूनिट द्वारा मैसूर रोड में संघ बसवन दोड्डी स्थित श्री भगवान महावीर मानवता केंद्र में आयोजित एक दिवसीय मनोरंजन भ्रमण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि समाज सेवी श्रीमती भाग्या दिनेश जी गिरिया ने कहा कि बालकों में भगवान बसते हैं, उन्हें जरूरतमंदों की सहायता करके असीम आनंद की अनुभूति होती है। भगवान महावीर मानवता केंद्र के संचालक देवराज जी कोठारी ने सभी का स्वागत किया। पृथ्वीराज जी वी मेहता ने आभार प्रदर्शन किया। भाग्या दिनेश जी गिरिया की ओर से बालकों को पाठ्य सामग्री एवं भोजन वितरित किया गया। सत्यनारायण गुरु जी ने ओपन यूनिट की जानकारी दी। इस अवसर पर मदनलाल जी भंसाली भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थे। केम्पे घोड़ा नगर चामराजपेट में कन्नड़ फिल्मों के निर्माता एवं निर्देशक दक्षिण नाकोड़ा तीर्थ श्री संकट मोचन पार्श्व विरवधाम अरसी केरे के सह कोषाध्यक्ष विजय कुमार जी सुराणा ने अपने नवनिर्मित निवास मातृछाया में गृह प्रवेश किया। जैन समय के चीफ डायरेक्टर अशोक जी नागौरी ने उपस्थित होकर मंगल कामनाएं व्यक्त की। इस अवसर पर संकट मोचन पार्श्व विरवधाम के चेयरमैन फूलचंद जी करवावाला, अध्यक्ष अशोक कुमार जी सुराणा, कोषाध्यक्ष ताराचंद जी राठौड़, ट्रस्टीगण दुर्लभ चंद जी कांठेड़, उत्तम चंद जी नाहर पांडिचेरी, ज्ञानेश जी मेहता एवं रमेश कुमार जी कटारिया आदि समाज के अनेक गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रही।